हाय स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं अब तीसरा एक्सप्रेशन, तीसरा डेरिवेशन देखते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। दैट इज एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक्ड रोड। ठीक है, अगर रोड बैंक्ड है तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के लिए क्या कंडीशन रहेंगी, क्या एक्सप्रेशन है, उसके लिए हम एक डेरिवेशन लेते हैं। अभी देखिए, सपोज ये रोड का हॉरिजॉन्टल ये है और इस एंगल में ये रोड एंगल थीटा है, एंगल ऑफ बैंकिंग, और इस पे व्हीकल है जिसका मास है एम। मास ऑफ दिस व्हीकल इज एम और ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, फिर इसमें भी कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो ये है फोर्स एम जी, मैंने इस वेक्टर से दिखाया। ठीक है, वेट ऑफ द व्हीकल दैट इज एम जी और ये डाउनवर्ड में रहेगा। अब देखो, एक दूसरा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है। अब ये जो रोड है, इस रोड को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। ठीक है, इस रोड को परपेंडिकुलर, तो चलिए इसको हम एक नॉर्मल रिएक्शन जो है इसके लिए वेक्टर, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन, इट इज परपेंडिकुलर दिस रोड, सरफेस ऑफ दिस रोड। ओके, अब देखो यहां ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन का जो वेक्टर है इसको हम उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो ये है ये और दूसरा है ये। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो अगर आप इससे ये करोगे तो इस पे ऐसा रेक्टेंगल बनना चाहिए एकदम। आप इधर यहां तक ऐसे नहीं निकाल सकते उसको, आपने वेक्टर में देखा है लॉप, जो वेक्टर के हमने लॉ देखे है तो लॉप पैरेललोग्राम में हमने देखा है। ठीक है, तो ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इसका प्रूफ आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप इसको, ये एंगल थीटा कैसे है ये आपको प्रूफ, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसा लगे तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, लेकिन आपको लिखना नहीं है, जब आप इसका डेरिवेशन लिखोगे तो ये एंगल आपको डायरेक्टली थीटा लेना है। अब कैसा है देखो, ये है हमारा एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो ये यहां से हमने ये लिया है तो मैं यहां तक लेता हूं। अब देखो ये है नॉर्मल और ये था हमारा कंपोनेंट और ये था एक कंपोनेंट, है ना। अब देखो ये एंगल कितना है, 90 है और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल 90 रहेंगे। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं लगे तो इसको आपको थोड़ा यहां तक अभी लाता हूं, यहां से आपको समझेगा। ये इसका एक कंपोनेंट है, ये है और हमको ये एंगल दिखाना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो है ये 90 है एंड ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब ये कितना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है इसका, ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये टोटल 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो है फिर वेक्टर, ये इसका जो कंपोनेंट है एन का, तो ये थीटा के साइड का है, यानी ये हो गया एन कॉस थीटा और ये क्या हो गया, एन साइन थीटा। जो थीटा के साइड में रहता है वो रहता है एन कॉस थीटा और इसको भी हमने प्रूव किया है। ठीक है, और ये रहता है एन साइन थीटा, हमने इसको वेक्टर में प्रूव किया है। ठीक है,
तो ये हो गया इसका एन कॉस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा। अब देखो ये जो एम जी है ये एम जी को एन कॉस थीटा बैलेंस करता है, एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करता है यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो इसकी जो लेंथ है वेक्टर की वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये जो है इसकी लेंथ उतनी लेंथ इसकी लेना है। ठीक है, ठीक से गिन के आपको ये जितनी लिया आपने उतनी ये लेंथ लिया आपने, लेकिन ये अपोजिट है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब देखो फिर ये जो है एन साइन थीटा तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, बैंक रोड है लेकिन वो कैसे सर्कुलर रोड है, ठीक है ना, तो सर्कुलर रोड है यानी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करता है, एन साइन थीटा, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करता है। लेकिन इसमें और एक फोर्स है, अगर इसकी स्पीड जो है, देखो एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, अब एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड तो हमने क्या किया था, जैसे हमने इसका जो स्पीड है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किए थे आर जी टैन थीटा। अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन था इसमें, लेकिन क्या होता है कि कोई अगर थोड़ा ज्यादा हमारा स्पीड होता है तो ज्यादा हमारा स्पीड होता है तो एकदम से व्हीकल हमारा इस साइड में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरा फोर्स भी है जो इसको और बैलेंस करता है और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसमें एक्ट होता है, ये होता है ऑन दिस रोड सरफेस। ठीक है, तो मैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक वेक्टर निकालता हूं, ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलो ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को और दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम एफ एस से डिनोट करते हैं, एफ एस यानी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही करते हैं, तो ये हो गया एक इसका कंपोनेंट और दूसरा हो गया ये साइड में ये। ठीक है, अब इसमें ये दो इसमें हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो ये जो इसका कंपोनेंट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, ये यहां पे थीटा ये है एंड इसके साथ में ये थीटा एंगल करता है, तो थीटा के साइड में क्या रहता है कॉस, यानी ये जो हो गया इसका कंपोनेंट ये हो गया एफ कॉस थीटा और ये हो गया एफ साइन थीटा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं यहां से उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसमें देखो ये जो एम जी है, दिस इज एम जी, अब ये एम जी यहां पर एन कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू एम एन कॉस थीटा और एफ साइन थीटा भी है, ये साइड में दो है, एक है एम जी और एफ साइन थीटा, तो ये जो एफ साइन थीटा हम इसको यहां पे लाता है तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये साइड में एम जी और एफ साइन थीटा था, अब एफ साइन थीटा को मैंने यहां लाया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो है देखो ये जो कंपोनेंट है ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसको प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कितना रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है लेकिन हमको वैल्यू इसकी निकालनी है वी की, इसलिए हमने ये एक्सप्रेशन लिया है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब कौन प्रोवाइड कर रहा है इसको, देखो ये जो है ये दो कंपोनेंट एक ही साइड में आते हैं तो ये इसको एम वी स्क्वायर अपॉन आर यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए। हमें पता है कि सर्कुलर अगर मोशन है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, उसके सिवा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें एन साइन थीटा और ये कौन सा कंपोनेंट है ये प्लस एफ
कॉस थीटा, क्योंकि वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था उसका वो कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, वो जो सर्कल है उसके रेडियस के डायरेक्शन में, इसका मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको लिखता हूँ वन, और इसको लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन नंबर टू। अब हम क्या करते हैं, ये जो है टू और वन, तो डिवाइडिंग आप 1/2 भी कर सकते हो, 2/1 भी कर सकते हो, लेकिन हमें v की वैल्यू है ना, इसलिए हम डिवाइडिंग टू है ऊपर आना चाहिए हो, तो हमारी एक स्टेप कम हो जाएगी। सो डिवाइडिंग टू बाय वन, चलो फिर ये जो है mv² अपॉन r इज इक्वल टू, देखो mv² r और इसके डिवाइडेड बाय mg, तो mg यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय mg यानी mg यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, n साइन थीटा प्लस एफ, एफ एस लिया था अपने, तो एफ एस कर लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एम जी डिवाइडेड बाय एम जी यानी ये, तो हम लिखते हैं यहां पर एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां लिखता हूं मैं, अब इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं, अभी हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है इसको। अब यहां पे एक बात आप ध्यान में रखो, ये जो एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, तो हमने क्या देखा था, पहले वो देख लेते हैं। देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। अब दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन निकाल देते हैं तो हमें म्यू एन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो ये है म्यू, ठीक है, ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम के लिए है, तो देखो जैसे एफ एस मैक्सिमम है ना, तो ये हो गया फिर म्यू एन, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम है तो फिर हमें कंडीशन भी यहां पे क्या है, वी मैक्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर तो देखो अभी नेक्स्ट ए एम एम मैंने कैंसिल कर दिया, और यहां पे अभी एफ एस के लिए मैं वो वैल्यू लेता हूं, और लगे तो हम साइड में लिख देंगे कि सिंस एफ एस इज इक्वल टू म्यू जीरो एन। देखो अभी यहां जहां पर भी एफ एस आया है उस पर मैं वो वैल्यू लूंगा अभी, एंड ये क्या हो गया अभी वी, मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ मैक्स कंडीशन के लिए, आर जी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो एन साइन थीटा, और हमें क्या करना है, प्लस ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एन, ठीक है, और एक कॉस थीटा, ये होगी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये देखो अभी एन कॉस थीटा माइनस, अब ये जो एफ एस है ये एफ एस के लिए हमें लेना है म्यू एन और फिर साइन थीटा। अब चलो अगर हमें एन कॉमन ले लेते हैं यहां से, देखो सभी इसमें एन आ गया अभी, तो वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहां पे मैंने एन ले लिया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये यहाँ पे यंग मैंने कॉमन ले लिया, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, ये यंग यंग हो गया कैंसल। अब क्या मिलता है हमें फिर, यहाँ पे लिखते हैं अभी, अब वी मैक्स स्क्वेयर अपॉन आर जी, अब देखो साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये माइनस म्यू साइन थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, एक पूरे एक्सप्रेशन को कॉस थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, यानी डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग
बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आएंगे इसकी, वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा, और फिर कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमको कॉस थीटा से करना है दोनों तरफ, माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, क्या आएगा देखो, नेक्स्ट स्टेप में आएगा, अब मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यानी प्लस म्यू अपॉन में ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यानी वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा यानी माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारी कंडीशन। अब देखो वी मैक्स हम यहां रखते हैं और आरजी को इधर लेके आते हैं, यानी क्या मिलेगा हमें, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आरजी, ठीक है, और फिर टैन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टैन थीटा। इसका मतलब वी मैक्स जो है, अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट तो वी मैक्स आएगा अंडर रूट आरजी टैन थीटा प्लस म्यू वन माइनस म्यू टैन थीटा, ठीक है। ये हो गया वी मैक्स के लिए हमें एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें अब जब ये बैंक रोड है और इसमें जो थीटा है ये थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है, अब और ये है म्यू है फ्रिक्शन। अब कंसीडर करो कि अगर ये जीरो हो गया टैन थीटा यानी ये जो बैंकिंग एंगल था ना थीटा अभी जीरो हो गया यानी ये रोड पूरा प्लेन ही हो गया, तो आप अगर इसमें टैन थीटा की जगह पे हम जीरो लेंगे तो क्या मिलेगी हमें वैल्यू, वी मैक्स इज इक्वल टू देखो आर जी और फिर टैन थीटा यानी टैन जीरो, तो टैन जीरो की वैल्यू कितनी आती है जीरो प्लस यू और अपॉन में क्या आएगा वन माइनस यू टैन जीरो। अब देखो ये अगर जीरो होता है तो ये जीरो प्लस यू यू और ये वन माइनस ये पूरा जीरो, तो हमें क्या मिलेगा वी मैक्स, देखो वी मैक्स आएगा आर जी, ठीक है, ये पूरा जीरो हो गया ये भी जीरो हो गया तो वन माइनस जीरो वन रहेगा यानी यू रहेगा सिर्फ ये। तो हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि वी मैक्स हॉरिजॉन्टल जब रोड रहेगा और तो फ्रिक्शन ये रहता है, तो हमने इसको डिराइव किया था वी मैक्स के लिए, क्या डिराइव किया था हमने पहले वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू आर जी, ये एक्सप्रेशन हमने पहले इसमें डिराइव किया था। अब समझ लो ठीक है कि अगर एक आधा रोड है उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, अब फ्रिक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो यू की वैल्यू है म्यू की वो आ जाएंगी जीरो, फिर क्या आएगा देखो फिर वी मैक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वी मैक्स इज इक्वल टू देखो आर जी, अब ये जीरो है, ऐसा रोड है कि जहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है, टायर भी अपने जो गाड़ी के है वो एकदम प्लेन टायर है एकदम स्मूथ है उसमें ग्रिप ही नहीं है, और जो रोड है वो उस पर हमने एकदम टाइल्स लगा दी जो हम घर में टाइल्स लगाते ना वो टाइल्स वहां पर लगा, अभी वो वैल्यू ऑफ म्यू तो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर देखो, फिर देखो फिर यहां पे ये जीरो हो गया तो क्या रहेगा टेन थीटा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये वन जीरो इंटू टेन थीटा तो ये जीरो हो जाएगा वन माइनस जीरो में वन यानी डिवाइडेड बाय वन यानी ये देखो वी मैक्स। तो अगर हमें उसमें म्यू की वैल्यू जीरो है तो फिर क्या रहेगा आर जी टेन थीटा, ये भी हमने डिराइव किया था सेकंड इक्वेशन में उसमें हमने डिराइव किया था, ठीक है। तो फिर हम इसलिए क्या करते हैं बैंक रखते हैं अगर स्मूथ, क्योंकि हम इतना फ्रिक्शन दे नहीं सकते इसलिए हमने डिराइव किया था इसका इक्वेशन। तो ये है फिर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंक रोड। ओके।